तो हमको चढ़ना है इस पहाड़ पे ऊपर। क्या शानदार व्यू है बाप रे, हमको वहाँ जाना टॉप पे ऊपर, सबसे ऊपर। बाप रे, चढ़ते चढ़ते हालत खराब हो जा रही है, ऐसा सोच नहीं था। देखो मेरे चेहरे पे कितना पसीना आ रहा है, जिस पर हम लोग पतले पतले लौटने तो मोटा को आ गया तो भाई क्या हालत होगी। अगर कोई पेट वाला आ गया ना तो, लेकिन जब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे आया तो भाई वो भी चढ़ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ना गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल विद जुनैद ब्लॉग। आई फुली आप लोग सब ठीक होंगे। एंड अभी कॉल आ गई है सागर की मेरे पास, बाद में रिकॉर्ड कर। फिलहाल अभी हो गई है सागर से बात और अब जा रहे हैं हम लोग तारागढ़ किले पे, और मैं इस न्यू ब्लॉग का करता हूँ यहाँ से आगाज। और अब देखते हैं चढ़ने में कैसी हालत होती है, एंड कैसे एक्सपीरियंस रहता फर्स्ट टाइम, एंड क्या क्या तारागढ़ किले पर, वो भी आप लोगों को दिखा दूँगा। वैसे ज़्यादातर लोगों ने देखा, क्योंकि ज़्यादातर लोग अजमेर शरीफ में आ जाते हैं, मैं ही फर्स्ट टाइम आया हूँ। हो सकता है मेरे जैसे मेरे लोगों जो ना आए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमको चढ़ना है इस पहाड़ पे ऊपर। क्या शानदार व्यू है बाप रे, हमको वहाँ जाना है टॉप पे ऊपर, सबसे ऊपर। और अभी इसी हालत ख़राब हो रही है चचा थोड़ी थोड़ी आगे चल के क्या होने वाला कुछ पता नहीं है। फिलहाल अभी तारागढ़ के नहीं निकले हैं और चल रहे हैं ऊपर, बहुत छोटा, और देखते हैं कितनी देर में पहुँचेंगे। अभी टाइम कितना हो रहा है चचा? टाइम हो रहा है 10:30, 10:30 बजे निकले। अब देखते हैं हम कितने बजे पहुँचते हैं कितनी देर में, और देख के लग तो रहा है कि हालत डाउन होने वाली है। सही कह रहे हैं यार, और फिर भी देखते हैं ऊपर बादल हो रहे हैं, टावर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बादल छू रहे हैं भाई साहब पहाड़ों से। ऐसी लोकेशन ना जिंदगी में पहली बार देखी है मैंने, कभी ऐसा एक्सपीरियंस है ऐसी लोकेशन नहीं देखी जिंदगी में। देखिए तारागढ़ में जाने के लिए रास्ता है पत्थरों का, पत्थरों का काट काट के रास्ता बनाया गया। रास्ता ना बड़ा ओवरवर्ड सा लग रहा है, पत्थर बिछे हैं नीचे ज़मीन में और उन पर जूते और बदल लिया, बड़ा ही दिक्कत हो रही है थोड़ी थोड़ी चलने में, पर लेकिन चल रहे हैं। और थकान की अभी सी महसूस होने लगी, देख के कैसे पहुँचते हैं हौले हौले आराम आराम से। आप बुरे चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जा रही है, ऐसा सोच नहीं था। देखो मेरे चेहरे पर कितना पसीना आ रहा है, जिस पर हम लोग पतले पतले लौटने तो मोटा को आ गया तो भाई क्या हालत होगी। अगर कोई पेट वाला आ गया ना तो, लेकिन जब ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे आया तो भाई वो भी चढ़ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा ना दिक्कत दे रहे हैं चढ़ने की, नहीं बड़ा ऑकवर्ड ऑकवर्ड सर, बहुत ज़्यादा। एक लिया यहाँ पर फुल स्टॉप, सबकी हालत हो गई थोड़ी सी डाउन, थक गए हैं सब जने, तो यहाँ पर थोड़ा सा फुल स्टॉप ले लिया है। वो 2-2.5 किलोमीटर हम लोग चढ़े हैं आराम से, और अभी तो और ज़्यादा चढ़ना है, देखते हैं कैसे चढ़ते हैं, क्या एक्सपीरियंस रहता। अभी झुके हैं जगह पर, यहाँ से एक नंबर व्यू आ रहा है, इसे मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाता हूँ। हालत खराब है, चलते चलते शानदार व्यू है, एक नंबर। चचा ऊपर यहाँ पे बैठ गए, क्या व्यू है, ऑसम, एक नंबर। बादल टकरा रहे हैं पहाड़ों से, बादल घुस गया पहाड़ों में जी, सही है पूरा बादल घुस गया ये पहाड़ों में, तो जो सकल करेगा जी सही। फिलहाल अभी हम लोग लगभग चढ़े हैं ऊपर 6 किलोमीटर, और अभी 3-4 किलोमीटर समथिंग और चढ़ना है,
और चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब हो जा रही है, पर लेकिन मज़ा पूरा आ रहा है, फुल मज़ा आ रहा है, फुल इन्जॉय हो रहा है। पर थोड़े चढ़ने इन्हें देखो भाई साहब को जी तो बैठ गया, इसकी हालत बहुत डाउन होने जा रही है। तो रेस लगाते हुए आ रहे हैं हम लोग, तो भागते हुए आ रहे हैं। हम दो तीन जगह रेस लगा ली, पर दोनों बार चची जीते हैं, मारे दोनों बार। ऐसी कोई बात नहीं है, जिनत भाई जीते हैं, जिनत ब्लॉगर इंडिया के टॉप ब्लॉगर है। एक दिन इंशाल्लाह वर्ल्ड में कोई वायरल करा दो यार। करा लो करा लो। लाल अभी पहुँच चुके हैं यहाँ पर। कौन सी आवाज़ है, कौन सी आवाज़? तारागढ़ से फाइनली पहुँच चुके हैं, थोड़ी सी दूर और चल रहा है। 47 का पता नहीं, और पहले कोई बना हुआ समथिंग, मेरा जानकारी नहीं है। पर यहाँ चढ़ते चढ़ते तो हालत बहुत ज़्यादा डाउन, पानी भी पड़ रहा है आजकल, मौसम तो बहुत अच्छा। फाइनली भी पहुँच चुके हैं तारागढ़ के किले, ऊपर सबसे ऊपर है तारागढ़ के। इस टाइम पे पूरे में धुआं ही धुआं हो रहा है, बादल ही बादल है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये बन गया हूबहू इमाम हुसैन के रोज़े जैसी, रोज़ा बना हुआ इमाम हुसैन का यहाँ पर। ये दरगाह किनकी? सैयद मीनार हुसैन है, हुसैन रोज़ा तो इमाम हुसैन का। मतलब यहाँ कवर वगैरह है कुछ ऐसी बना हुआ बस, दरगाह है वही कुछ। ये पूरी बनी है जिंदर लगा रहे हैं तुमने, ये पूरे इमाम हुसैन का रोज़ा बना हुआ। पानी पड़ गया यहाँ पर हल्का हल्का। अभी तारागढ़ पे से नीचे आ चुके हैं एंड अभी जा रहे हैं दरगाह पे सीधे, और हालत बहुत ख़राब हुई थी इसलिए रास्ते में गाड़ी से आए थे। किराया खर्च करना पड़ा था, वरना तो पैदल आया थे, किराया बच जाता। कैमरा साफ पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि गरीब लोगों का पैसा नहीं है अपना, पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं हो रही है। हम ज़्यादा बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, पैसे खर्च नहीं करते बिल्कुल। और मैं आप लोगों को ना आज मेरे का बाजार देख रहा हूँ कैसा मैं, अच्छा भाई आ रहा है मार्केट में, काली बड़ा हुआ, बारिश हो गई, पानी हो गया चुका, इसलिए मार्केट खत्म हो गया। पाने वगैरह अजमेर में सूट वगैरह मिल रहा है यहाँ पर, सूट चाहिए बता देना, हम मांग ले आएंगे, आप ऑनलाइन पे कर देना। ऑनलाइन पे सूट बता दो, कौन सा पसंद है, जिसको जो पसंद हो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, बहन, माता जी, बुआ, खाला, मौसी, पप्पो, शरीफ हो गए और क्या, इतने शरीफ है। अच्छा हाल अभी रुके हैं रेस्टोरेंट में और सोच रहे हैं खाने की क्या खाया जाए, तो कन्फ्यूजन हो रही है। तो हमारे चाचा काफ़ी टाइम से मशक्कत कर रहे हैं कि खाने में क्या लिया जाए, आराम से सोच रहे हैं फिर क्या लिया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतने ज़्यादा चीज़ है, कन्फ्यूजन हो रही है क्या लिया जाए, क्या लिया, तो देखते हैं चाचा क्या। बटर पनीर मसाले बटर पनीर तो मैं सही लगे बोले, बटर पनीर मसाला, एक दाल तड़का और एक चना मसाला, एक रायता, ठीक है। चॉकलेट ले लेंगे डेयरी मिल्क की, वो खाएंगे, मम्मी ने टिकियाँ दी हैं वो खाएंगे, पैसे ही बचाने हैं चाचा, और भी जगह घूमना है, जल्दी से पैक करा कर निकलते हैं सीधे रूम में, वहीं बैठ के काम जाने काम जाए गर्मी लग रही। फिलहाल अपना खाना पैक करा लिया तुर्कान के हाथ में, और अब जा रहे हैं सीधा रूम पे, और रूम पे जाके इस खाने को खाया जाएगा और फिर थोड़ा सा आराम कराया जाएगा, फिर अपने सफ़र का नए तरीके से आगाज़ किया जाएगा।